बस अब यूट्यूब फैमिली वेलकम टू अवर चैनल। तो यार वीडियो ना काफ़ी टाइम से आ नहीं रही थी और अभी भी थोड़ी लेट हो जाएगी वीडियो, क्योंकि यार मैं थोड़ा बिजी चला था कुछ पर्सनल काम की वजह से। तो यार मैंने सोचा इसलिए ये छोटी सी वीडियो बना लूँ। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, कमेंट रीडिंग। तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा इंटरेक्शन आपके साथ हो ही जाए। और इतने यार शुरू से काफ़ी कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, तो मैंने सोचा चलो आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया जाए। तो वही मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और यार ये नवंबर का महीना बहुत ही बढ़िया गया अपने लिए, तो मैंने सोचा कुछ मैसेज भी दिया जाए आपको। जैसे कि पता ही है, एक तो इतना बड़ा फेस्टिवल दिवाली गई, बहुत अच्छी गई। और यार इसी नवंबर के महीने में अपने बन के यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हुई। और एक चीज़ और बहुत बढ़िया हुई है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलो यार अपने कमेंट रीडिंग शुरू करते हैं। तो पहला कमेंट है तेज पटेल जी का, इन्होंने लिखा है देयर आर 6 डिसलाइक्स, हेटर्स आर पुशिंग यू टुवर्ड सक्सेस। तो देखो यार ऐसा कोई वो नहीं है कि यार वीडियो पे डिसलाइक्स आ रहे हैं तो मतलब मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देखो यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन पे ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देता कि डिसलाइक्स आ रहे हैं। लाइक्स यार आप लोगों का इतना सपोर्ट होता है यार। देखो मुद्दा ये नहीं है कि कितने खिलाफ है, मुद्दा ये है कि अपने कितने सपोर्ट में है। तो यार आप लोगों का सपोर्ट बहुत है मेरे लिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने डिसलाइक्स आ रहे हैं। और नेक्स्ट कमेंट है नितेश गोयल जी का, इन्होंने लिखा है आई वॉच योर वीडियो सिंस 4 डेज एंड यू आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क ब्रो, कीप इट अप। सो थैंक यू नितेश जी, ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। अगला कमेंट है संजय मोदी जी का, इन्होंने लिखा है भाई 1500 वाले ने 10 लाख लोग वालों की लगा रखी है, गुड। सो यार देखो इन्होंने जब कमेंट करा, जब मेरे 1500 सब्सक्राइबर थे, तो यार देखो ये कोई नहीं यार, ये 1500 वाला भी एक दिन 15 लाख पे पहुंच जाएगा। तो यार लगा रखी है, क्योंकि ये लोग गंद फैला जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं, इनकी कोई सीमा ही नहीं है, रुके ही नहीं रहे, तो इसलिए हमने इनकी वाट लगा रखी है। देन नेक्स्ट कमेंट है अभिजीत विश्वास जी का, इन्होंने लिखा है कि ब्रो आई एम योर बिग फैन, यू आर ए गुड यूट्यूबर, प्लीज एक्सपोज ऑल द प्रेइंग वीडियोज विच इज एक्चुअली रबिश एंड नॉनसेंस वीडियोज। तो देखो यार अपनी तो पूरी कोशिश है एक एक करके सारे जितने प्रैंकस्टर्स हैं जो यार गंद फैला रखा, जिन्होंने कर रहा हूँ सबको एक्सपोज कर रहा हूँ, रोस्ट कर रहा हूँ, कोशिश पूरी है यार आपको जितना बढ़िया से बढ़िया दिखा सकूँ उतना दिखा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट कमेंट है चोलीबा संतम, इन्होंने लिखा है ब्रदर यू आर वेरी वर्क हार्ड, बिग फैन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है समीक्षा शर्मा जी का, इन्होंने लिखा है कि यू आर एपिक मैन, अब तो ये नहीं ये बंदी चैनल बंद करवाने की धमकी देती है। तो ये बात करें रिज धवन की, जिसने मेरे को एक शुरू में सबसे पहले धमकी दी थी कि चैनल बंद करवा देंगे, उस टाइम 100 सब्सक्राइबर थे। तो भाई अब तो नहीं धमकी देते, लेकिन कुछ प्रैंकस्टर्स हैं जिनका मैसेज कभी कभार आ जाता है, जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो लेकिन यार अभी इन सब चीज़ों पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लगे इनको इनकी लेने में अच्छे से, तो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई धमकी दे कुछ भी दे, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों का सपोर्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे यार कि कौन मैसेज कर रहा है कौन धमकी दे रहा है। यार बस आप लोग साथ हो ना तो वीडियो ऐसी बनती रहेगी, वीडियोज ऐसी आती रहेगी, इनको एक्सपोज करते रहेंगे। नेक्स्ट कमेंट है गुड़िया माहेश्वरी जी का, इन्होंने लिखा है सुपर वी आर, नो वर्ड्स टू से, बस हैट्स ऑफ। सो थैंक यू सो मच गुड़िया जी, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट कमेंट है आर आई राज मिश्रा, इन्होंने लिखा है भाई आप भी तो एब्यूज़ करने से बचते हो, भाई मज़ा आ गया। तो भाई देखो यार एब्यूज़ करने से बचता हूँ, मतलब मेरा खुद नहीं मन करता यार ऐसे मतलब कुछ बोलने का, ऐसे गाली वाली देने का। हाँ लेकिन जब कुछ लगता है कि हाँ इनको यार इस पॉइंट पे गाली देनी चाहिए, तो मैं बीच में किसी कोई वीडियो ऐड कर देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा मोस्टली कैरी बनाती की वीडियो मैं अपने वीडियोज़ में यूज़ करता हूँ, तो यार खुद से मेरा मन नहीं करता ऐसे एब्यूज़ करने का, तो इसलिए मैं बीच में कोई वीडियोज़ लगा देता हूँ। देन नेक्स्ट कमेंट है महेश शाह एम जी का, इन्होंने लिखा है ग्रेट ऑब्जर्वेशन, हाउ मच टाइम यू वॉच वीडियोज़ टू आइडेंटिफाई दिस। तो देखो यार शुरू में टाइम लगता था, लेकिन अब तो यार ऐसे हो गया ना कि मतलब देखते पता चल जाता है कौन चूते बना रहा है, कौन पागल बना रहा है, किसकी फेक है वीडियो, स्क्रिप्टेड है, तो अब देखते पता चल जाता है। और आप लोगों को भी पता चल जाता होगा यार, इतना कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हो जाता है अब। नेक्स्ट कमेंट है विकास कुमार का, इन्होंने लिखा है भाई सही लेने में लगे हो तुम प्रैंक वालों की। तो भाई प्रैंक वालों के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि पता ही है यार कितना गंद मचा रखा है इन लोगों ने। मतलब देखो ऐसा है ना, ये लोग वीडियोस बनाते हैं, इन्हें पता है स्क्रिप्टेड है फेक है, लेकिन ये लोग वीडियो इसलिए बनाते हैं कि यार सबको पता है अर्निंग होती है, अच्छी खासी व्यूज आते हैं, मतलब कुछ भी बनाएंगे लोग देखेंगे देखेंगे। एक तो यार वो लोग चूतिया लोग जो इन्हें यार सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं यार, मैं समझ नहीं आता कहाँ से लोग आते हैं यार, इतने बर्बाद है जिंदगी। फिर नेक्स्ट कमेंट है उसे दास का, यार ये कमेंट ना मेरे लिए भी है और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी है। इन्होंने लिखा है आप लोगों की इतनी फटती क्यों है, और ये उन लोगों के लिए है जो पहले यश और रिट्स को सपोर्ट करते थे और एक चूतिया वीडियो देखने के बाद सबने अपने रंग दिखा दिए ना। तो सुनो मेरे पास कोई जवाब तो है नहीं, बस एक ही बात कहूँगा कि भाड़ में जाओ।
तो भाई देखो, जो लोग पहले इन दोनों को सपोर्ट करते थे, फिर मेरी वीडियो देखने के बाद अब उन्हें अनसब्सक्राइब करके मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं और मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई देखो, उनकी आंखें खुल चुकी है, उनको मैंने दिखाया है कि देखो आप गलत रास्ते पर जा रहे थे, अब आओ मेरे साथ आओ। तो यार ऐसा कुछ, इसके कमेंट का बुरा मत माना मेरे सब्सक्राइबर्स। यार देखो, ये लोग भी अभी अंधभक्त हैं उन लोगों के, तो अभी भी इन्हें बाद में थोड़ा पता चल जाएगा। और यार अभी भी जिन लोगों को लगता है ना कि वो लोग स्क्रिप्टेड या फेक वीडियोस नहीं बनाते, तो भाई पैसा बर्बाद। तो भाई नेक्स्ट कमेंट है पूजा मिश्रा जी का, इन्होंने लिखा है, ओ हेलो भाई, ये लोग रियल प्रैंक करते हैं। अच्छा मतलब, हाँ भाई बहन तू ही तो गई थी यार इनके वीडियो शूट करने के लिए, रियल प्रैंक करते हैं। मतलब यार इतना सब कुछ दिखाने के बाद, प्रूफ देने के बाद भी इन लोगों को समझ नहीं आ रही है। भाई तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, तुम यार जाके ना ठेला वेला लगाओ यार, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे लोगों का, कुछ नहीं हो सकता। भाई नेक्स्ट कमेंट है स्वास्तु मिश्रा का, इन्होंने लिखा है, अबे तू होता कौन है बे, रिट्स दी के बारे में और यश भाई के बारे में ये सब बोलने की, माफ़ करना लेकिन मैं उस पर बहुत बड़ी हूँ, मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज़ शी इज़ रियली सोशल वर्कर, फॉर गॉड सेक आगे से उसके बारे में मत बोलना। भाई सोशल वर्कर तो वो बहुत बढ़िया, हमने देखा हुआ है सिंपथी पाने के लिए क्या क्या करती है, और सोशल एक्सपेरिमेंट भी देखे हैं हमने उसका, और मैंने भी लोगों को दिखा रखे हैं कि वो कितनी अच्छी सोशल वर्कर है। तो भाई यार तुम लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यार, इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि यार वो लोग रियल है, तो भाई रियल है भाई, तो पड़े रहो उनके पास। नेक्स्ट कमेंट है, शायद ये लास्ट कमेंट हो सकता है, तो ये है जय दीपू गेमिंग का, इन्होंने लिखा है, भाई आपका मोनेटाइजेशन अनेबल हो गया है भाई। हाँ तो यार इसके बारे में बात करते हैं, मोनेटाइजेशन के बारे में। तो यार देखो, मोनेटाइजेशन अभी 3 दिन पहले ही अनेबल हुआ है, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ थी। एक्चुअली मैं कहीं बाहर था, ट्रैवल कर रहा था, इतने में मेरे पास मेल आई यूट्यूब की, तो मैंने देखा यार, उस टाइम यार खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ये सब यार आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है, आप लोगों ने सब प्यार दिया, इतने यार मेरी वीडियोज़ को देखते हो, तो यार फाइनली चैनल मोनेटाइज हो चुका है। नहीं यार ये लास्ट कमेंट नहीं है, अभी तो बहुत सारे कमेंट भरे हुए हैं यार, आप लोगों का इतना प्यार है, इतने कमेंट्स करते हो, तो यार अभी वो और कमेंट्स हैं। देखो नेक्स्ट कमेंट है सुष्मिता बासु, इन्होंने लिखा है, हमें भी पता है सब फेक है, बट रिट्स शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो यार ब्यूटीफुल तो राखी सावंत भी है, उसको देख लिया करो, जो कुछ भी, मतलब कुछ भी साले, कुछ समझ नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है गेम प्लॉय जॉक्स मौसी का, इन्होंने लिखा है, लव फ्रॉम आजाद कश्मीर, थैंक यू भाई ऐसे सपोर्ट करते रहो यार। नेक्स्ट कमेंट है एकता भट्ट का, इन्होंने लिखा है, कीप इट ब्रो, शौक बड़ी चीज़ है, टेक केयर, थैंक यू सो मच एकता जी। नेक्स्ट कमेंट है अशोक सुजू, भाई ये ना मेरा अब तक का सबसे फेवरेट कमेंट है, इन्होंने लिखा है, भारत की जनता को निवेदन करता हूँ कि संदीप भाई को सपोर्ट करें और इन चूतों की चैनल को अनसब्सक्राइब करें, मैंने रिस्क के चैनल को सब्सक्राइब किया था लेकिन बाद में इन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया है, तो थैंक यू अशोक सुजू जी यार इतना सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है चरण कौर जी का, इन्होंने लिखा है, सामवीर अब्बास की याद आ गई आपकी वीडियो देखकर, इतना अच्छा एक्सपोज किया है, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से रोक नहीं सकी अपने आप को, सिर्फ एक ही वीडियो देखकर, ओहो एक ही वीडियो ने कमाल कर दिया, तो थैंक यू सो मच चरण जी, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें यार। और यार ये सामवीर अब्बास कौन है यार, मुझे नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं, चलो कोई नहीं यार, कोई होगा। नेक्स्ट कमेंट है पवन कुमार जी का, इन्होंने लिखा, भाई यश भाई जैसा कोई नहीं है, एकदम सीधा बंदा है, ये किसी का चूतिया नहीं काटता, ठीक है ना, ये किसका चूतिया काटेगा, इसका तो अभी अभी चूतिया कटा ही है। नेक्स्ट कमेंट है मिताली माचीवाल, इन्होंने लिखा है, प्रैंक देखने से ज़्यादा मज़ा इनके रोज देखने में मज़ा आता है। यार क्या बात है यार, ऐसे कमेंट पढ़ने के बाद ना भाई अंदर से ना और मोटिवेशन आता है कि ऐसी और वीडियोस बनाओ, और रोस्ट करो, और इन्हें एक्सपोज करो, तो यार ऐसे कमेंट करते हो यार। नेक्स्ट कमेंट है सावन दरबार, इन्होंने लिखा है, भाई हम तुम्हारे साथ हैं, वीडियो ऐसी बनाओ भाई, प्रैंक वीडियो देखना बंद, तुम्हारा देखेंगे, थैंक यू भाई ऐसे ही सपोर्ट करते हो यार, हम वीडियोस बनाते रहूँगा, आप थोड़ी सी वीडियो लेट आ रही है लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद रेगुलर आएगी, कुछ पर्सनल काम से बिजी हूँ मैं इसी वजह से। नेक्स्ट कमेंट है हनुमंत जम्वाल, इन्होंने लिखा, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, इवन आई वॉज वॉचिंग लॉट ऑफ प्रैंक वीडियोज बट नाउ आई गिव अ सेकंड थॉट, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, यू आर डूइंग गुड थिंग टू एक्सपोज दैम, गुड थिंग्स टेक टाइम, कीप इट अप डियर। भाई देखो ऐसे लोग होते हैं, ये होते हैं एजुकेटेड पीपल, जिन्हें लगा कि हाँ भाई हम उनकी प्रैंक वीडियोस देख रहे थे, वो एक वेस्ट ऑफ टाइम था, उन्होंने मेरी वीडियो देखी उनकी आंखें खुल गई। तो उन्होंने, तो यार ऐसे लोग ऐसे बनो यार, थोड़ा एजुकेट भी हो यार, पढ़ाई लिखाई भी करो उनके लिए। नहीं वो क्या लिख रही थी यार पता नहीं, कि यार नहीं रेस दीदी स्क्रिप्टेड वीडियोज नहीं बनाती, तो यार भाड़ में जाओ। नेक्स्ट वीडियो है गायत्री वर्ष जी का, इन्होंने लिखा है, ब्रो यू आर डूइंग ग्रेट, इफ समडे आई विल मीट सच यूट्यूबर आई विल स्लैप, बहुत चूतिया बनाते हैं। हाँ यार मेरी तरफ से दो चांटे,
लिख लेना पहले से ही। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कमेंट है किशन रायका का, इन्होंने लिखा जितना प्रैंकस्टर है ना सबको एक्सपोज करो भाई। तो देखो भाई कोशिश तो पूरी है सबको करने है, और यार कुछ कमेंट्स ऐसे अभी भी आते हैं कि मतलब जिसको मैंने पहले से रोस्ट कर रखा है, एक्सपोज कर रखा है, उनके भी दोबारा से कमेंट आ रहे हैं भाई इनको दोबारा करो। तो भाई ठीक है मैं कर दूंगा, इनका पार्ट जैसे 1 तो हो गया, पार्ट 2 3 4 करके इन्हें एक्सपोज करते रहेंगे, रोस्ट करते रहेंगे। नेक्स्ट कमेंट है यूनी कृष्णन टीपी, इन्होंने लिखा है योर एफर्ट्स डेफिनेटली रिड्यूस देयर सच टेंडेंसी। तो देखो भाई हाँ यार कोशिश तो ये कि यार इन्हें देखने के बाद इन लगे कि हाँ यार हम गलत कर रहे हैं, तो शायद इन्हें कुछ एहसास हो कि हाँ भाई चलो थोड़ा कम करते हैं गंद फैलाना। तो भाई कोशिश हमारी भी यही है। नेक्स्ट कमेंट है लॉयन रेंजर्स का, इन्होंने लिखा भाई रिट्स और यश की कॉन्ट्रोवर्सी की लाओ यार। तो यार देखो अभी हाँ मैंने भी यूट्यूब पे कुछ सुना था कि इन दोनों का ब्रेकअप वगैरह ऐसा कुछ सीन हो गया है। तो यार देखो मेरे मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं कि क्या सीन चल रहा है इनका, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। वैसे उसकी कोई इंस्टाग्राम की वीडियो तो आई थी, उसने बहुत ज़्यादा भड़ास निकाल ली थी अपनी रिद्धमन, तो पता नहीं यार मेरे को नहीं पता इनके बारे में, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई इनके ऊपर। तो यहीं पर यार आज का वीडियो यहीं पर खत्म होती है, इतने कमेंट्स मैंने आज रीड करे हैं, जितने हो सके यार मेरे को जो बेस्ट लगे मैंने कमेंट कर दिया, और ऐसे आगे करते रहना। मैं सोच रहा हूँ यार कि हर वीडियो में टॉप 5 शॉर्ट आउट्स करे जाए, बेस्ट कमेंट करे जाए, तो ऐसे ही हर वीडियो में टॉप 5 कमेंट्स मैं रीड करूंगा लास्ट वीडियो के एंड में। तो आज के लिए इतना था, और यार वीडियो जल्दी आएगी, वेट करते रहना, मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं यार थोड़ा सा बिजी बता दिया, थोड़ा सा बिजी हूँ, और वीडियो जल्दी आएगी। तो चलो यार आज के लिए बस इतना, यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना।